ऊपर खापड़ रास्ता शुरू, और हमें जाना है वहाँ गांगता बेट। वो जो बाहरवटी आते थे उसका आश्रय स्थान था। गाड़ी हमने बंद कर दी है और देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ से हम निकल रहे हैं गांगता बेट के लिए। यहाँ से लगभग मैप में तो 12 किलोमीटर दिखा रहा है, यहाँ पे लिखा है 10 किलोमीटर। बज रहे हैं 11:15। आज संडे है तो टूरिस्ट आ रहे हैं। अभी गांगता बेट देखना पड़ेगा कोई होगा या नहीं, कि हम अकेले ही होंगे। पिछली बार तो हम अकेले ही थे। अभी एक भाई से हमने पूछा तो रास्ता भी ठीक है और डायरेक्ट वो टापू पे मंदिर जो है वहाँ तक हम जा सकते हैं। और हमें यहाँ से लेना है लेफ्ट टर्न, जो कि गांगता बेट तक ले जाएगा हमें। शायद रास्ता बना होगा या नहीं बना होगा, चलो देखते तो हैं। यहाँ पे मधुमक्खी कुछ ज़्यादा ही होती है, उसका ध्यान रखना होगा, क्योंकि मुझे दो या तीन बार काट चुकी है। आज नहीं, पहले आई वहाँ ऊपर खापड़ रास्ता शुरू। पिछले साल जब भी आए थे तभी तो बहुत ही खराब रास्ता था, बड़े बड़े पत्थरों वाला, लेकिन इस साल तो मिट्टी डाल के ये रास्ता अच्छा बन गया है। एल्यूजिनेशन, जो कि पानी दिखता है सब आगे, इधर तो नमक ही है, इधर पानी दिख रहा है। चलो मिलते हैं आगे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग आ गए हैं गांगता बेट जाने वाले रास्ते के बीचों बीच में। यहाँ से वो सामने गांगता बेट दिख रहा है, ये पूरा नमक का रेगिस्तान, उधर साइड दूसरी साइड है और बीच में ये रास्ता, और ये दोनों साइड नमक का रेगिस्तान, और हमें जाना है वहाँ गांगता बेट। वैसे इस रास्ते को भी रोड टू हेवन का मिनी वर्जन बोल सकते हैं, क्योंकि इसके आजू बाजू सब नमक का रेगिस्तान है, जो कि सब नमक वाला पानी सूख के नमक बन गया है। अभी ये रास्ते की लंबाई लगभग 4 या 5 किलोमीटर होगी, लेकिन रोड टू हेवन तो लगभग 80 किलोमीटर जितना है। अगर ये रोड भी पक्का बन जाए तो रोड टू हेवन की फील दिला सकता है। तो फ्रेंड्स, वो रास्ता हमने पार कर लिया है, यहाँ से भी हमें 1 या 1.5 किलोमीटर चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी टापू पे। फ्रेंड्स पहुँचने ही वाले हैं, लेकिन बहुत ही खराब रास्ता, पत्थरों वाला। जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं, इस जगह की खूबसूरती और बढ़ती जा रही है। चारों ओर नमक का रेगिस्तान और बीच में रवेची माँ का मंदिर देख के मन खुश हो जाता है। तो फ्रेंड्स देखिए, हम लोग आ चुके हैं गांगता बेट के रवेची माता के मंदिर, जो कि पूरी तरह नमक के रेगिस्तान के बीच में टापू पे ये मंदिर स्थित है। तो चलो अंदर जाके पहले दर्शन करते हैं, बाद में घूमते हैं। पिछली बार जब भी आए थे तभी तो यहाँ पे 5-10 लोग थे, लेकिन इस बार तो कोई दिख भी नहीं रहा। चलो पहले मंदिर में जाते हैं, दर्शन करते हैं। Thank you.
बेट में ये मंदिर रवेची माता का प्राचीन मंदिर है ऐसा कहा गया है। और ये गांगता बेट का पूरा एरिया जिसकी दूसरी साइड पुराने किले के अवशेष भी हैं, जो कि अभी खंडर हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि पुराने जमाने में वो जो बाहरवटिया आते थे उसका आश्रय स्थान था। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे चिड़ियों के लिए मिट्टी से बने उनके घर कितने अच्छे से सजाए गए हैं। देखो फ्रेंड्स, वहाँ से हम ये रास्ते पे आए, यहाँ से ये गांगता बेट का रवेची माँ का मंदिर, और यहाँ का नज़ारा देखिए। नमक के रेगिस्तान के बीचों बीच ये टापू पे है मंदिर। यहाँ से हम निकल रहे हैं हरिडा, वहाँ जाना है, वहाँ उस पर। देखो फ्रेंड्स, गाड़ी हमने बंद कर दी है और देखते हैं कहाँ तक गाड़ी जाती है। वैसे तो ढलान ही है, देखे तो सही, ब्रेक मार के रखी है गाड़ी न्यूट्रल में, पेट्रोल की बचत। आगे छोटी सी दला ऊंचाई चढ़ाई आ रही है, लेकिन ये पार कर लेगी, इधर तो चालू करना ही पड़ेगा। चलेगा 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 चलेगा। कच्छ का सफ़ेद रण लखपत से लेकर बेला तक फैला हुआ है। कच्छ में ऐसी कितनी जगह है जो बहुत ही अच्छी है, लेकिन लोगों ने ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं की है, जिसमें से एक ये गांगता बेट। यहाँ पे गुड़खर, चिंकारा, नीलगाय, ये सब वन्य जीव देखने को मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, वो है गांगता बेट, उधर दूसरा किनारा है, और ये रास्ता बीच में हम रुक गए हैं यहाँ पे, क्योंकि वाइट रण एकदम क्रिस्टल क्लियर है। और यहाँ पे नमक अभी सूख रहा है, नमक का पानी सूख रहा है, पानी भी पिंक पिंक दिख रहा है। यहाँ पे घुस जाएंगे, कीचड़ नहीं होगा तो फोटो खींचेंगे, उधर भी देखते हैं। पिछली बार आए थे तो वहाँ तक शायद गए थे, अंदर तक, तब इस साइड नमक कम ही था, लेकिन इस साल तो बहुत ही ज़्यादा है। कीचड़ होगा इसलिए रास्ता नहीं है, बाकी कीचड़ अगर नहीं होता तो बाइक का रास्ता तो होता ही शायद से। काजल पहुंच गई है उधर, बाइक हमने यहाँ रख दी है, हमारी हंटू। चलो चलते हैं नमक के रेगिस्तान में, कीचड़ है। प्योर नमक है, हाँ काफी जोर है, हमारा डुबकी मारवानी पिंकी माँ जोजे। बर्फ जूझ पानी छे ने, खराब हाथ ही गया थे पूरा नमक। काजल ने मुझे सहारा दे दिया। काजल, आज के ब्लॉग में तो आपको कुछ बोलना ही पड़ेगा, क्या बोलोगे? क्या बोले? कुछ भी। कितनी खूबसूरत जगह है, ऐसी खूबसूरत जगह पे कोई अच्छी सी रील बनाते हैं। चलो, रोड टू हेवन पे तो हम थम्सअप ले गए थे, लेकिन आज लाए हैं माजा।
क्योंकि सूरज अपने पीक पर है गर्मी के, और ऐसे गर्मी में ठंडी ठंडी मजा। चलो पीते हैं। इतनी खूबसूरत जगह पे माजा पीने का जो मजा है ना, सच में अलग ही है मजा। Yes. शादी में जो कैमरे वाले होते हैं उनकी तरह कर रहे हैं अजय। क्यों? खाना मुंह में डालो कि कैमरा इधर से। फ्रेंड्स, हम कचरा इधर नहीं डाल रहे हैं, साथ में लेके जा रहे हैं, क्योंकि इतनी अच्छी जगह को हम कचरे वाले नहीं करना चाहते। जो भी लाए हैं यहाँ पे रख के जाएंगे। चल, ये नमक का पानी पिंकी पिंकी क्यों है पता नहीं, क्योंकि इसमें ब्रोमीन की मात्रा पाई जाती है, इसलिए पानी पिंक पिंक दिखता है यहाँ का। माजा वालों, पैसे UPI कर देना, हमने आपके प्रमोशन किए। लास्ट ईयर जब आए थे तब तो यहाँ पे टूरिस्ट नहीं दिख रहे थे, लेकिन इस बार तो हमें दिखे टूरिस्ट। चलो, तो अब निकलने का टाइम हो गया है, तो चलो निकलते हैं। हमें तो बहुत ही मजा है यहाँ पे, हमने तो बहुत सारे फोटोज क्लिक किए, वीडियो भी क्लिक किए, बहुत सारी मेमोरी बनाई। तो फ्रेंड्स, अगर आप कभी भी कच्छ घूमने आओ, रवेची माता के दर्शन करने रव गांव में आओ, तो वहां से 10 किलोमीटर में ये गांगता बेट पड़ता है, तो यहां पे आना मिस मत करना, क्योंकि तो अमिताभ जी ने कहा है ना, कच्छ नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा। सच में ऐसी जगह नहीं देखी तो क्या ही देखा। तो आओ कभी कच्छ घूमने। यहाँ तक पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, एक अच्छा सा प्यारा कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। और हाँ, वीडियो लिंक को शेयर करना ना भूलें।